ओके सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम इसका ये वाला सारा पोर्शन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे एक और फॉरमेन होती है, किस तरह से होती है कि ये हमारे पास पता है आपको क्या है, टेम्पोरल बोन है पिंक वाली, ठीक है, और ये कौन सी है स्फीनॉइड बोन है और ये कौन सी है ऑसिपिटल बोन है। ये तीनों बोन्स मिल के एक फॉरमेन बना रही हैं, उसको हम कहते हैं फॉरमेन लेसेरम, फॉरमेन लेसेरम, ठीक है। कैसे कि ये जो हमारे पास टेम्पोरल का टीरस पोर्शन है ये इररेगुलर शेप है यहाँ से ये, और जो स्फीनॉइड है उसका ग्रेटर विंग, जबकि ऑसिपिटल का ये बेजल रीजन है, ठीक है, बेजल रीजन। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं फोरामेन, उसे हम बोलते हैं फोरामेन लेसेरम। थ्रू आउट द लाइफ जो है इसको फाइब्रस टिश्यू जो है वो बंद कर देते हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो है वेसल्स गुजरती हैं और एक नर्व गुजरती है जिसे हम बोलते हैं ग्रेटल पेट्रोजल नर्व, जो है वो इसके ऊपर से पास कर रही होती है। सो दिस इज द लेसेरम, फोरामेन लेसेरम। अगेन हमारे पास ये जो टेम्पोरल बोन है बच्चों, इसके जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्टीलॉइड प्रोसेस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है मेस्टॉइड प्रोसेस, और ये तो जाइगोमैटिक प्रोसेस है। ये जो स्टीलॉइड प्रोसेस है और जो मेस्टॉइड प्रोसेस है, इन दोनों के दरमियान ये एक फोरामेन आपको नजर आ रहा है, एक फोरामेन है, और इस फोरामेन को हम बोलते हैं स्टीलो मेस्टॉइड फोरामेन, स्टीलो मेस्टॉइड फोरामेन, क्योंकि इन दोनों के दरमियान है। अब इन मेस्टॉइड प्रोसेस के नीचे भी एक नोच है और जो स्टीलॉइड है उसके नीचे भी एक नोच है जिसे हम डीप नोच है, जिसे हम फोरामेन कहते हैं। सो पहले इसकी बात करते हैं कि जो स्टीलॉइड प्रोसेस है इसके मीडियली जो ये टीरस प्रोसेस है इसके नीचे एक डीप नोच प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जुगलर फोरामेन या जुगलर फोसा। इसे हम क्या बोलते हैं जुगलर फोरामेन या जुगलर फोसा। और यहाँ पे ये जो मेस्टॉइड प्रोसेस है इसके नीचे जो नॉच है इसको हम बोलते हैं मेस्टॉइड नॉच, ठीक है, और यहाँ पे एक नीचे फोरामेन है अकेला, इसको हम बोलते हैं मेस्टॉइड फोरामेन। जो इसके और इसके दरमियान है दैट इज स्टाइलो मेस्टॉइड फोरामेन, और ये जो है वो बिल्कुल मेस्टॉइड के अंदर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं मेस्टॉइड फोरामेन, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें आपने कन्फ्यूज नहीं करनी, स्टीलॉइड और मेस्टॉइड के दरमियान एक फोरामेन है दैट इज स्टीलो मेस्टॉइड फोरामेन, इसके नीचे एक नॉच है दैट इज मेस्टॉइड नॉच और मेस्टॉइड फोरामेन, ठीक है, अकेला। अब यहाँ पे और इन दोनों के नीचे एक डीप जो है वो फोसा या नॉच प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं जुगुलर नॉच या जुगुलर फोसा। इसमें हम बाद में पढ़ेंगे कि यहाँ से ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, एसेसरी नर्व, वीगस नर्व वगैरह गुजरती हैं, ठीक है, चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ ये बोनी फीचर्स आने चाहिए। अब हम आ जाते हैं, हमारे ये सारे पोर्शंस कवर हो गए, अब सिर्फ हमारे पास बच जाता है ऑसिपिटल का रीजन, ठीक है, जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। सबसे पहले हमें ये ग्रेटर चीज़ नज़र आ रही है ना, इसे हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, और यही स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके नीचे पता है हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये फोरामेन मैग्नम है, और यहाँ पे ऊपर देखो अगर बच्चों तो ये आपको दो कंडाइल्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल कंडाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये कंडाइल जो है ये हमारे पास C1 वर्टिब्रा जिसे हम एटलस भी बोलते हैं उसके साथ आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। इसके नीचे आपको एक छोटी सी कैनाल नज़र आ रही होगी, इसको हम बोलते हैं कंडाइल कनाल या कंडाइलर फोसा, ठीक है, ये इसका जो है वो बेजल पार्ट है, और यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर एक ट्यूबरकल सा है जिसे हम बोलते हैं फेरेंजियल ट्यूबरकल। सो दिस इज द ऑसिपिटल, और ये बस आप याद रखने के एक्सटर्नल और ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है, ठीक है। आई नो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन अगर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे फिर ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। एट दी एंड हमारे पास एक टेपनिक प्लेट प्रेजेंट होती है जो सी शेप होती है, और जो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर से उसके बोनी फीचर्स को बनाती है। जल्दी से मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, ये हमारे पास इंटीरियर पार्ट है, इसके अंदर जो है वो प्लेटल प्रोसेस है मैक्सिला का, प्लेटल प्रोसेस है पैलेटाइन का, ये इंसिसिव फीजर है, इंसिसिव फोसा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है ग्रेटर पैलेटिन फोरामेन एंड लेसर पैलेटिन फोरामेन, फिर जो है वो नेजल कैविटी स्टार्ट हो रही है, उसकी पोस्टीरियर ओपनिंग्स हैं, उनको जो है दरमियान में किया हुआ वॉमर ने, और ये स्फीनॉइड के प्रोसेसेस हैं या प्लेट्स हैं। ये मीडियल ट्रिगॉइड प्लेट हैं, टेरिगॉइड प्लेट हैं स्फीनॉइड की, और फिर ये लेटरल टेरिगॉइड प्लेट हैं स्फीनॉइड की। मीडियल वाली थोड़ी प्रोलोंग होती है और उसकी एक प्रोजेक्शन होती है, उसे हम बोलते हैं हेम्युलस, ठीक है। अब ये जो लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है इसके बिहाइंड हमने देखा ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड पे दो जो है वो ओपनिंग्स हैं या फोरामेंस हैं, ये इसको हम बोलते हैं फोरामेन स्पाइनोजम, सॉरी फोरामेन ओवेल, और इसे हम बोलते हैं फोरामेन स्पाइनोजम। इसके पीछे स्पाइन है जहाँ पे ये जो ग्रेटर विंग है खत्म हो रहा है, इसे हम बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड, ठीक है। फिर हमने देखा स्फीनॉइड में, और ये जो हमारे पास टीरस प्रोसेस है टेम्पोरल बोन का, इनके दरमियान एक ग्रूव प्रेजेंट है, और ये ग्रूव किसके लिए है ऑडिटरी ट्यूब के लिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास टीरस प्रोसेस है और ये जो स्फीनॉइड बोन है और जो ऑसिपिटल बोन है ये फोरामेन बना, इसे हम बोलते हैं फोरामेन लेसेरम, जो विद टाइम फाइब्रस टिश्यू जिसे कवर कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा फिर इस साइड पे अगर आए तो यहाँ पे हमारे पास टेम्पोरल बोन स्टार्ट हो जाती है, टेम्पोरल बोन का ये जो है वो स्टीलॉइड प्रोसेस है, ठीक है, और स्टीलॉइड प्रोसेस, और यहाँ पे हमारे पास क्या है इसका मेस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है। स्टीलॉइड और मेस्टॉइड प्रोसेस के दरमियान स्टीलो मेस्टॉइड फोरामेन है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम स्टीलॉइड के थोड़ा आ जाए मीडियली और इस टेम्पोरस बोन के डीप जाए तो यहाँ पे एक डीप नॉच है जिसे हम बोलते हैं जुगुलर नॉच, ठीक है, इसे हम जुगुलर नॉच या जुगुलर फोसा बोलते हैं। ये जो मेस्टॉइड प्रोसेस है इसके नीचे होगा मेस्टॉइड नॉच और मेस्टॉइड फोरामेन, ठीक है। फिर ऑसिपिटल रीजन था, ऑसिपिटल में ये फोरामेन
मैग्नम है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, वर्टिब्रल आर्टरीज और प्लेक्सस वगैरह गुजरते हैं, यहाँ हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये हमारे पास ऑसिपिटल है, यहाँ पे कंडाइल्स हैं, हम ऑसिपिटल कंडाइल्स कहते हैं, ये C1 वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, C1 वर्टिब्राइज एटलस, ठीक है। ये इसका जो है वो फेरेंजियल ट्यूबरेंस है, ये इसकी एक्सटर्नल प्रोट्यूबरेंस है, यहाँ पे इसका बेजिलर पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑसिपिटल केनाल या ऑसिपिटल फोसा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है वो एक टेम्पनिक प्लेट है जो सी शेप होती है, और ये बोनी फीचर्स बनाती है किसके, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस के। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स इन्फीरियर व्यू, ठीक है। अगर आप इसको ये स्नेल्स न्यूरो एनाटॉमी से देखेंगे तो इतना ही बताया हुआ जितना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।